हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पाटी जी की पाठशाला। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम के बारे में। दोस्तों, बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये पाटलिपुत्रा में बीए पार्ट वन, बीए बीएससी बीकॉम पार्ट वन का एग्जामिनेशन, तो दोस्तों यूनिवर्सिटी के थ्रू बड़ी खबर आ गई है। यूनिवर्सिटी वालों ने अनाउंस किया है कि 15 नवंबर से आप सबका एग्जाम होगा। बीए फर्स्ट ईयर वालों का, बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम होगा, रेगुलर कोर्सेस वालों का 15 नवंबर से, ऐसा उपदेश आया है। और दोस्तों ये मैंने, ये हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो दोस्तों पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम यानी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 15 नवंबर से डेट दी गई है, और इसका फॉर्म पहले ही, एग्ज़ाम फॉर्म बहुत पहले ही भरा चुका है, तो आप लोग तैयारी करने लगे। और दोस्तों तो आपका एग्ज़ाम डेट दिया है यूनिवर्सिटी ने 15 नवंबर से, ठीक है। और दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। तो आपका क्वेश्चन पैटर्न जो होता है दोस्तों, वो जब आप ऑनर्स पेपर जो आपका होगा, ठीक है, जो आपका ऑनर्स पेपर होगा उसमें आपको पहले की तरह ही क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ शॉर्ट कुछ लॉन्ग। तो आपको इसमें मिल जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऑनर्स, आएगा ऑनर्स पेपर में। और दोस्तों आपका सब्सिडरी पेपर जो है उसमें आपको क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा चेंज है, और क्वेश्चन पैटर्न ये चेंज है कि आपको जो सब्सिडरी पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी का आपका क्वेश्चन पैटर्न है, तो आप लोग इसको मान लीजिए। आपका जो ऑनर्स पेपर है उसमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे, और जो सब्सिडरी पेपर है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो यही आपका एग्जाम पैटर्न, और आपका डेट है 15 नवंबर। तो आप लोग इसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दें। और दोस्तों किसी भी फेक न्यूज़ पर यकीन न करें, बहुत लोग लाइक्स और व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। तो आपको जो यूनिवर्सिटी से डेट आया है आप लोग उसी को फॉलो करें। उसने भी अभी यूनिवर्सिटी वालों ने भी 15 नवंबर का डेट दिया, और न्यूज़पेपर में भी 15 नवंबर का डेट आया है, और आपके क्वेश्चन पैटर्न्स ऐसे दिए गए हैं। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन और अदर अपडेट के लिए बेल और बेल दबा के आप अपना नोटिफिकेशन ऑन ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि ऐसी कोई भी न्यूज़ आए या कोई भी अपडेट आए तो आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए।